खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और वॉर रूम से मैं आपके साथ ज्योति। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का ताजा अपडेट अब आपको बता देती हूं। एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग की है और भारत की जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी चौकियां तबाह हो गई हैं। ये अपडेट आप इस वक्त का देख रहे हैं। जवाबी फायरिंग में पाक की 5 पोस्ट तबाह हो गई है। कई पाकिस्तानी सैनिकों के भी मारे जाने की जानकारी मिल रही है। आपको वो इलाके बता देते हैं जहां पर सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। बारामूला, राजौरी, पुंछ, उरी, ये वो एलओसी से सटे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग चल रही है। दूसरी तरफ देखिए शोपिया में क्या हो रहा है। आतंकियों से एनकाउंटर वहां पर चल रहा है। 3 आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है। 3 आतंकियों को घेरा गया है और अब उनके साथ एनकाउंटर चल रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कल पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन हुआ। भारत ने पुलवामा का बदला दिया। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उसके ठिकानों को तबाह किया और उधर उसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। हताशा और निराशा में पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उसने शाम से ही एलओसी से सटे इलाकों में फायरिंग शुरू कर दी, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। 5 पाकिस्तानी चौकियों को भारतीय सेना ने तबाह किया है। कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं और जानकारी ये आ रही है कि भारत के 5 जवान जख्मी हुए हैं। एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने राजौरी, पुंछ, उरी, कृष्णा घाटी में रात भर फायरिंग की है और लगभग 10 से 15 जगह ऐसी है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग चल रही है। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 5 चौकियां तबाह कर दिया। आज सुबह बारामूला से भी अपडेट आ रहा था। बारामूला में भी पाकिस्तान की तरफ से सुबह सुबह फायरिंग की गई। भारत की कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। चूंकि पाकिस्तान अगर फायरिंग कर रहा है तो भारतीय सेना भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अजय बाचलू एबीपी न्यूज संवाददाता लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, एलओसी पर नजर बनाए हुए हैं। अजय, क्या अपडेट है? क्या इस वक्त भी कई इलाकों में फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है? जी, अभी सेना ने ये साफ किया है कि जो फायरिंग मंगलवार को शाम करीब 6:30 बजे शुरू हुई थी वो रात करीब 10:30 बजे तक फायरिंग लगातार पाकिस्तान कर रहा था और फायरिंग इतनी भारी थी कि पाकिस्तान अपने रिहायशी इलाकों से मिसाइल और मोर्टार शेल दाग रहा था। लेकिन ये फायरिंग 10:30 बजे तक चली क्योंकि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और भारत की जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी चौकियां ध्वस्त हो गई। करीब 5 ऐसी पाकिस्तानी चौकियां ध्वस्त हो गई और कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो मुंह की खाने के बाद रात करीब 10:30 बजे तक ये फायरिंग हुई है और उसके बाद अब तक एलओसी से किसी तरह की फायरिंग का कोई खबर नहीं है। जी ज्योति जी, अभी आप कह रहे हैं कि कोई खबर नहीं है लेकिन रात को ये फायरिंग लगातार चल रही थी। अजय बाचलू हमें जानकारी देते हुए एलओसी से सटे इलाकों में अजय बता रहे हैं कि फायरिंग लगातार चल रही थी लेकिन अभी सुबह का अपडेट नहीं आ रहा है। कोई सेना की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद है हर समय और जो दुश्मन है उसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए है कि अगर जरा सा भी एक्शन वहां से होता है तो यहां से तुरंत रिएक्शन जाएगा और तुरंत जो पाकिस्तान की सेना है उसकी बौखलाहट का जवाब दिया जाएगा। और लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कल भारतीय सेना का एयर स्ट्राइक हमने देखा, किस तरह से हमारे जवान जो थे वो पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और कल पाकिस्तान पर जो बड़ा एक्शन हुआ उसकी जानकारी भारत ने बाकी मुल्कों को भी दी है और लगातार समर्थन भारत को दूसरे मुल्कों का भी मिल रहा है कि हाँ, चूंकि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर किसी सिविलियन को नहीं मारा, वहां के सेना के जवानों को नहीं मारा, हमने आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त किया है। ये साफ है क्योंकि ये वो आतंकी है जो भारत के लिए नासूर बन चुके थे। पुलवामा का हमला जिन्होंने किया, जैश ने जिम्मेदारी ली और इस हमले में मसूद अजहर, जिसका पुलवामा में सीधे तौर पर हाथ था, उसके दो भाई और मसूद अजहर का साला मारा गया। यही अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये वो लोग हैं जो वहां पर पाकिस्तान के सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए करते हैं।